हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट रेसिपी जो झटपट बनके तैयार हो जाती है। ये है साबूदाने की खिचड़ी, जो बिल्कुल खिली खिली बनेगी और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। ये देखिए, दाने अलग अलग हो रखे हैं और बहुत टेस्टी बनती है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये साबूदाना है जिसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था धो के अच्छी तरीके से, तो ये अभी अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 आलू, 4-5 हरी मिर्ची, नींबू, अदरक, कड़ी पत्ता और हरा धनिया, और ये मूंगफली है, सेंग दाना है जिसको मैंने भून के मिक्सर में पीस लिया है। ये देखिए, ऑयल गरम हो चुका है। यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1/2 टेबल स्पून जीरा और थोड़ा सा हींग डालूँगी। और यहाँ पर मैं आलू फ्राई होने के लिए रख दूँगी सबसे पहले, और जिससे कि आलू पहले पक जाएंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, मेरा आलू पक गए हैं। उसके बाद ही मैं इसमें मिर्ची भी डाल दूँगी। आप चाहे तो मिर्ची पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मिर्ची थोड़ा सा मतलब जल जाती है, इसलिए मैं बाद में डालती हूँ आलू के साथ। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मिर्ची डाल देंगे, उसके बाद कड़ी पत्ता भी डाल देंगे ढेर सारा। कड़ी पत्ता वैसे भी बहुत अच्छा होता है, तो जितना आप खाना चाहे उस हिसाब से आप डाल सकते हैं कड़ी पत्ता। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता और मिर्ची डाल दी है और इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। जब तक मेरा आलू पके ना, तब तक मैं इसको फ्राई करते रहूँगी। और उसके बाद मैं इसमें, ये देखिए आलू मेरा पक चुका है अच्छी तरीके से, तो उसके बाद मैं अदरक इसमें डाल दूँगी। 1/2 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है थोड़ा सा, तो उसको कद्दूकस कर लिया है, उसको डाल दूँगी और उसको भी मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मेरा आलू ऑलमोस्ट पक चुका है। तो पकने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और मैं नमक के साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा शक्कर भी ऐड करूँगी, जिससे कि हमारा इसका टेस्ट का जो बैलेंस है वो अच्छा बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी उसके बाद साबूदाना, और थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू भी डाल रखा है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको खट्टा मीठा पसंद है तो आप इसमें नींबू और थोड़ा ज़्यादा शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने शक्कर थोड़ा सा ऐड की है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, साबूदाना भी ऐड कर दिया है, तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और साबूदाने को ना रात भर भिगो, जितना हम ज़्यादा भिगाएंगे उतना अच्छा हमारा साबूदाना खिलेगा और उतना अच्छा बनके तैयार होता है, सॉफ्ट सा बनके। तो ये देखिए, सब चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ में ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा के हम लोग 5 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे। और बीच बीच में इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। इस तरीके से हम इसको मिक्स भी करते रहेंगे। और इसमें इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं, इसमें सेंधा नमक और घी में या किसी में बना के, जब आप जो भी आप व्रत के दिन खाना चाहें। तो अभी तो मैं नॉर्मली बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मेरा जो सेंगदाना था पाउडर बना हुआ, वो ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सेंगदाना मिला के क्या होता है, जो चिपचिपा रहता है वो भी अलग अलग हो जाता है अच्छी तरीके से। तो ये पक चुका है, मैंने इसको 5 मिनट ढक्कन लगा के रख दिया था जिससे फूल जाए अच्छी तरीके से पक जाए। तो साबूदाना बन के रेडी हो गया। इसमें हम हरा धनिया मिला लेंगे। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी साबूदाने की रेसिपी, ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी ब्लॉग या रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँचे और नोटिफिकेशन, और आप उसको देख सकें। तो ये देखिए, मेरा साबूदाना जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल अलग अलग। आप लोग भी आइए और खा लीजिए साबूदाना गर्मा गर्म, और मेरे वीडियो को लाइक करिए। तो मिलूंगी आपको नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।